स्वागत है हकीम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, कुछ लोगों को शिकायत होती है एलर्जी की, कुछ को दिक्कत होती है कि हमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि कहीं पे भी अगर हम लोग खुजा दें तो वहाँ पे या तो बड़े बड़े से दाफड़ जिन्हें बोलते हैं वो पड़ जाते हैं या लाल लाल रैशेज हो जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम किन लोगों को सबसे ज़्यादा होती है और नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? हाँ देखिए, स्किन रोगों में कहलाता है, और स्किन को जब उसके मिजाज के खिलाफ जी कुछ मिल जाता है तो वो एलर्जी के रूप में उभरती है। जी अब चाहे वो रैशेज हों, चाहे वो दाने निकलें, चाहे मुहासे निकलें, और बहुत तरह के रोग हैं स्किन के, सोराइसिस भी स्किन का ही मर्ज है। तो स्किन की खुराक है विटामिन ई, और वो भी बहुत अच्छे किस्म की जानी चाहिए। अक्सर देखिए मैं बताता हूँ और लोग सोचते होंगे कितना बताता हूँ मैं कुछ चीज़ों को। मैं अक्सर अखरोट बताता हूँ और अक्सर मैं आपको अलसी बताता हूँ। तो इन दोनों चीज़ों में स्किन की डाइट छुपी हुई है, विटामिन ई। किसी को स्किन रोग हो तो ये अच्छा काम करते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए यही वो बातें होती हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोग ये सारी बातें जान लेते हैं तो अपने आप को एक सही उपचार की तरफ आप लोग ले जाते हैं। अगर आप लोग लाइव हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, घरेलू नुस्खे जानना चाहते हैं, तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। दर्शकों, एकदम लाइव कार्यक्रम है। अगर आप लोग ये समझना चाहते हैं कि अब हमें बहुत सारे ट्रीटमेंट नहीं कराने हैं, डॉक्टर्स के चक्कर हमें नहीं लगाने हैं, तो अब आप एक चीज का लाभ उठा सकते हैं, वो है घरेलू नुस्खे जो आपके किचन में मौजूद होते हैं। आपके किचन की जो सामग्री होती है और जो नुस्खे यानी कि रॉ मटेरियल हकीम साहब आपको बताते हैं, बस वो आपको कहीं से भी असली प्राप्त करने हैं। बाकी आप अगर हकीम साहब की कंपनी से मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप मंगवा सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। अतिया हब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी इसकी देश भर में है, जिसके फाउंडर प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। हकीम साहब, जब किसी भी व्यक्ति को पैर में कोई शिकायत होती है, या तो वो दर्द की शिकायत करता है या फिर वो जलन की शिकायत करता है कि मेरे तलुओं में जलन रहती है हमेशा, या कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो नंगे पैर इसलिए रहते हैं, या तो उनके पैर बहुत ज्यादा पसीज जाते हैं या बहुत ज्यादा स्वेलिंग पड़ जाती है, ये तमाम परेशानियां क्यों आती हैं? देखिए, पैरों में अगर दर्द है, या पिंडलियों में खिंचाव है या दर्द जी है, जी किसी की थाइज में होता है ऐसा कि दर्द या खिंचाव होता है, किसी के घुटने में होता है, किसी को जलन होती है, किसी को सुन्न होता है, और किसी को दर्द, किसी को खिंचाव, ये चार कैफियत अगर किसी में है तो वो समझ ले कि उसका दर्द या मर्ज तो आपको लगता है कि पैर में है या पिंडली में है या थाइज में है, लेकिन उसका जो सेंटर होता है वो मेरे अनुभव के अनुसार कमर में नसों के दबने की वजह से होता है। अगर हमें कमर के नसों का या डिस्क का इलाज मिल जाए तो हम ठीक हो सकते हैं, नहीं तो हमेशा हम, क्योंकि मर्ज तो पैर में नहीं है, दर्द पैर में है लेकिन मर्ज हमारे हमारे कमर में होता है। जो हकीम, वैद्य और डॉक्टर इस बात को समझते हैं वही इसका इलाज कर सकते हैं। एमपी से हैं देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी हकीम जी से बात करना। जी मैं हाजिर हूँ, बताइए भाई क्या सवाल है। जी हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद। ये क्या है कि मेरे मुंह में इंफेक्शन है या छाले हैं, बहुत दिन हो गए, साल हो गए, ये जा नहीं रहे। इसका तो मैंने बहुत इलाज भी करवा लिया, मल्टी विटामिन से कैप्सूल भी खा ली, इंजेक्शन सब कुछ हो गया है, कुछ फायदा नहीं हुआ। इन्फेक्शन है ये किनारों में है ना, ये ऐसा लग रहा है तो चाकू से उधेड़ दी हुई है। ऐसी छाला गुटखा तो नहीं, छाला गुटखा तो नहीं खाते हो? नहीं, गुटखा मुटका नहीं खाता मैं। ठीक है ठीक है और जी। एक सवाल और है, ये मतलब
ये तो है ही है। और ये मेरी आंख है ना, इनमें ये सफेद वाला, ये गड्ढे ना बोलते हैं, सफेद आंखों में, हाँ उनमें उसी फुंसी के टाइप की और कोई चीज गीली सी हो रही है। और अपन घर के अंदर रहो तो ठीक रहते हैं, अपन बाहर जाते हैं तो एकदम जगह चोंधी सी लगती है। ठीक है। जी अच्छा देखिए, एक आती है मुंडी बूटी। मुंडी बूटी बहुत सस्ती दवा है, जैसे मटर के बराबर गोलियां समझ लो, उससे बड़ी उससे छोटी, मटरे के बराबर या उससे बड़ी भी होती है छोटी भी। ये 4 मुंडी बूटी आप लेकर रात को पानी में रख के रख दें, और सुबह को उबाल के मुंडी बूटी तो फेंक दें और पानी पी लिया करें सुबह निहार मुँह एक बार रोज़ाना, और 1 हफ्ता लें। ये दुनिया की सस्ती दवा है मुंडी बूटी, याद रखें। बॉल होती है गोल गोल, एक तो ये आपकी आँखों के लिए है, और ये जो आपके दाने हैं मुंह में, और आपने काफ़ी इलाज भी कर लिया, मल्टीविटामिन्स भी ले लिया, सब कुछ करके देख लिया, अब एक मामूली सा नुस्खा मैं बताता हूँ। ये आता है सफ़ेद गौन मोरिंगा। देखिए ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपका आपकी जिम्मेदारी है। सफ़ेद गौन मोरिंगा रोज़ाना, ये रॉ मटेरियल है, गौंद है, एक सफ़ेद वाला लेना, लाल या पीला कोई दे नहीं लेना, बहुत इसमें बेईमानी चल रही है। ये 100-200 ग्राम खरीद लें, इसका पाउडर बना लें, ये रॉ मटेरियल है। फिर इसका 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक पानी में मिलाकर, या नारियल पानी में मिलाकर, या दूध में मिलाकर आप दिन में बस एक बार पी लिया करें। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपको फायदा होना मुमकिन है। बाराबंकी से हैं लक्ष्मी जायसवाल जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, सवाल कर लीजिए। मैम नमस्कार। नमस्कार। हकीम जी को मेरा नमस्ते बोलिए। जय हिंद। आदाब, बताइए क्या जयसवाल जी, क्या सवाल है आपका, मैं हाजिर हूँ। सर हम तो आपसे अक्सर बात कर लेते हैं क्योंकि हम आपके बारे में किसी से बुरा नहीं सुनना चाहते। अगर कोई कहेगा उनकी दवाई नहीं फायदा करेगी तो मुझे बहुत चिढ़ होती है। मुझे लग रहा है मेरे भाई को या मेरे कोई अपने को गालियां दे रहा है, बहुत बुरा लगता है मेरे को। मोहब्बत है, मोहब्बत है आपकी। सर बहुत दिनों, कई बार बात करी, एक बार दो 1-1.5 साल पहले की थी हमने आपसे बात। हमने मुंबई वाले एक रिश्तेदार को अपना आपका नुस्खा बताया था। सर वो मुझे ना वो माजू मार के ले रहे हैं, तो क्या उसके साथ जो आपने बताया था एक बार कि मुंडी बूटी भिगो के रख दीजिए रात में, आंख के लिए फायदा करेगी, तो सुबह गर्म करके पानी में पका के आधा हो रही जाए तब पीनी है, तो क्या ले सकते दोनों चीज साथ? जी जी ज़रूर ले सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं। और कोई सवाल हो तो बताइए। बहुत धन्यवाद। सर आपके लिए तो बहुत हम लोग बहुत दुआ मनाते हैं कि आप हमेशा बने रहें। जैसे बहुत लगता है शुक्रिया। मेरा कोई घर का अपना हो, जब आपसे बात करनी हो तो यही लगता है मेरे को। नहीं वाकई मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी बहनें मिली हुई हैं, जो लाखों और करोड़ों की तादाद में हैं। कभी कभी मैं अपने आप को देखता हूँ, शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मेरे अपने भी मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते। आप लोग बगैर किसी मुलाकात के और मेरी आवाज़ पर मुझसे मोहब्बत करने लगे, ये मेरे लिए भगवान के तोहफे से कोई कम नहीं है। और आप यकीन करें, मैं भी आप लोगों के लिए बड़ी दुआएं करता हूँ, और आपकी सेहत की दुआएं और मशवरे उस वक्त तक देना चाहता हूँ जब तक मेरा दिमाग काम करता है। और खुश रहिए, बड़ी दुआ आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, कि आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें, शादाब रहें, आदा आबाद रहें, और मुझसे जो भी सेवा हो सके मेरी ज़िंदगी में आप मुझसे ले लीजिए। जी लता है पंजाब से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आदाब मैडम जी, मेरे 3 बाल है जी। बोलिए। 10 साल की लड़की है जी, बच्चा 10 साल की। हाँ जी 10 साल का बच्चा। हाँ वो बिस्तर से सुसु कर गया जी रात में। हाँ
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੀਰ ਕਰਦਾ ਅੱਖ ਤੇ ਤੀਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ? ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਾ ਬੱਚਾ? ਤੀਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੀਰ ਟੇਢੀ ਜੀ ਅੱਖ, ਤੀਰ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਤੀਰ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਝਾਕਣਾ, ਆਂਖੋਂ ਮੇ आंखों में प्रॉब्लम है, वो तीर निकालता है। अच्छा, आंखों में दिक्कत है, पलके निकालता है तीर जी, गंदगी निकलती है, आंख से जागता है? नहीं नहीं, तेजी आंख से जागता है। अच्छा ठीक है ठीक है, तीसरा सवाल। हाँ जी, तीसरा सवाल है, एक ना भाई है, उसकी उम्र है जी 55 एज, उन्होंने तीर कंबद है, कंबद क्या है उन्हें? उन्होंने कंपन की बीमारी है जी, कंपन। अच्छा, कंपन होती है शरीर में? शरीर में कंपन होती है, और उसको ना 6 साल पहले टेस्ट करवाया था, ब्रेन में कुछ ब्लॉकेज आई थी। ठीक जी, उसके लिए सवाल जी। पहला सवाल है, 10 साल का बच्चा है, बिस्तर पे यूरिन कर देता है, इस बच्चे को रोजाना 2 अखरोट अपने हाथ से तोड़े, उसका गिरी निकाले और खिलाएं 10 किशमिश के साथ रात को सोते समय। अभी गज्जा को रेवड़ी वगैरह खूब खिलाया करें, और 2 अखरोट और 10 किशमिश रोज़ाना रात को सोते समय खिलाया करें। और क्या है, 1 साल का बच्चा? 1 साल का बच्चा है, इनका ये कहना है कि वो बच्चा मतलब घूर के देखता है, मतलब उसकी पलके कम झपकती हैं। अच्छा, ये बच्चे की माँ को, या तो देखिए दूध पीता हो अगर माँ का तो माँ को, और अगर उसका दूध पीता है, दूध दूध जो बाहर का दूध पीता है, तो बाहर का दूध पीता है तो 1 छोटा चम्मच चाय का भरकर ये बादाम का तेल उसके दूध में मिला दिया करें, 1 छोटा चाय का चम्मच, बड़ा वाला नहीं। और अगर वो माँ का दूध पीता है तो माँ को 2 चम्मच बादाम का तेल रोज़ाना पिलाया करें, दूध में मिला के पिला दें, तो माँ के ज़रिए बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। और कंपन होता है जी जी, 55 साल के हैं। हाँ, ब्लॉकेज है दिमाग में, आपने बताया। और जैतून का सिरका रोज़ाना 3 चम्मच पानी में मिला के रात को सोते समय भाई को पिलाया करें, 1 बार या 2 बार दिन में भी पिला सकते हैं, और काफ़ी दिन लग सकते हैं, लेकिन उनके ये ब्लॉकेज खुलना मुमकिन है जी। तो लता जी, आपके 3 सवाल थे, तीनों सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दिए गए हैं नुस्खों के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो 1 साल के बच्चे के लिए आपका सवाल था, अगर हम उसको सही तरीके से गैस कर पाए हैं तो आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा। बाकी अधिक क्वेरी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। बात नेक्स्ट कॉलर से, सरिता जी हैं हरियाणा से, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार हकीम साहब को, मैं नमस्ते। जय हिंद दादा। सर मुझे आप किताब में ना मम्मी के लिए बताया था कि दोड़े हो जाए तो क्या कहते हैं अलसी और क्या कहते हैं कलौंजी का नमक, 1 किलो अलसी और कलौंजी का नमक 100 ग्राम लेना है दोड़े होने पे जी। और क्या कहते हैं अभी भी होते हैं, और क्या कहते हैं मम्मी को 15 साल से बीमारी है, ये शुरू किया आपने? हाँ जी शुरू किया, 1 महीना 20 दिन हो गए सर। अच्छा, क्या नजर आया अभी? सर क्या कहते हैं दोड़े भी इतनी बुरी तरह है, मतलब पूरे शरीर पे हो जाते हैं, और खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके लिए सेट्राजिन की गोली लेनी पड़ती है, 3रे दिन तो सेट्राजिन की गोली लेनी ही लेनी पड़ती है। नहीं, 1 महीने में कुछ फायदा नजर नहीं आया आपको? नहीं सर, क्या कहते हैं दोड़े तो उतने ही होते, 3रे दिन तो बहुत बुरा हाल हो जाता है मम्मी का। ठीक है, हाँ ये बताइए कि नमक वो कलौंजी का नमक कितना लेते हैं आप? हाँ जी 100 ग्राम कलौंजी का नमक, उसमें अलसी में 30 रुपये मिलाया हुआ है। कितना? 1 किलो अलसी और कलौंजी। आधी किलो? हेलो, आधी किलो अलसी है सर, और क्या कहते हैं 100 ग्राम कलौंजी का नमक है। ठीक है, कितना खाते हैं सर? 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को।
अच्छा, आधा 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 चम्मच खाया करें, ठीक है। और पानी पीना है 2.5 लीटर रोजाना, और सब्र करें। ये जो 600 ग्राम मटेरियल है ये ख़त्म होने से पहले आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। कोई भी दवा आप लेना चाहें इसके साथ ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। ये धीरे धीरे काम करता है और ये काफ़ी दिन चलता है। आपको आधा 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 चम्मच से ज़्यादा न लें और 2 बार लें, और पानी 2.5 लीटर पिए। और बीच में कोई भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, उसकी दवा ले सकते हैं, लेकिन ये छोड़े नहीं। ये ख़त्म होने से पहले आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।